कोडिंग इन मोबाइल फ़ोन। तो क्या हम कोडिंग अपने मोबाइल फ़ोन में कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ, क्योंकि आज वो दिन अब नहीं रह गया जब हमें अगर कोडिंग करना हो या फिर प्रोग्रामिंग करना हो तो हमें एक पीसी या लैपटॉप की ज़रूरत होती है। आज के दिन में अगर आपके पास अभी लैपटॉप नहीं है या फिर डेस्कटॉप नहीं है प्रोग्रामिंग करने के लिए, या फिर आप अगर कहीं बाहर ट्रैवल करना चाहते हो और उसमें अगर आप अपने लैपटॉप को कैरी नहीं कर सकते होते हो तो आप उसमें प्रोग्रामिंग कैसे करोगे? आज के दिन में प्ले स्टोर पर ऐसे बहुत सारे ऐप्स मौजूद हैं जिसके हेल्प से आप अपने फ़ोन में ही कोई भी लैंग्वेज का कोडिंग कर सकते हो, चाहे वो HTML, जावा, पाइथन, C++, C#, एनी लैंग्वेज, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, आप हर चीज़ कर सकते हो अपने जस्ट एक फ़ोन में। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से वो ऐप हैं जिनके हेल्प से हम अपने फ़ोन में ही आसानी से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और किस किस लैंग्वेज की कोडिंग कर सकते हैं, क्या वेब डेवलपमेंट उसमें कर सकते हैं या नहीं। तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप फ़ोन में कोडिंग करना चाहते हो या फिर इसके बारे में और भी डिटेल जानना चाहते हो, कौन कौन से ऐप हैं और कैसे उनको यूज़ करना है, क्या उनमें बेनिफिट है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो हे गाइस, आई एम नीरज जैन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो मैंने 5 ऐप्स की लिस्ट बनाई है आपके लिए जिनमें आप किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग कर सकते हो, लाइक जैसे HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट या फिर जावा, पाइथन, किसी भी लैंग्वेज में आप कोडिंग कर सकते हो। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन सारे ऐप्स के बारे में। तो अगर आप पाइथन सीख रहे हो और पाइथन लैंग्वेज में कोडिंग के लिए कोई ऐप देख रहे हो तो हमारी जो पहली ऐप है वो स्पेशली पाइथन के लिए है। तो वो ऐप है पाइड्रॉइड। तो पाइड्रॉइड जो है वो एक मोस्ट यूजफुल और ईजी टू यूज़ और फ्री IDE है जिसमें आप लेटेस्ट पाइथन 3 यूज़ कर सकते हो। इसमें आप NumPy, SciPy, Matplotlib, ScienceKit, लर्न जैसे बहुत सारे पाइथन की जो लाइब्रेरीज़ हैं उनका यूज़ कर सकते हो। और इसकी एक सबसे खास बात है कि इसमें पाइथन 3 का ऑफलाइन इंटरप्रेटर है जिसकी हेल्प से आप ऑफलाइन बिना इंटरनेट के भी अपने प्रोग्राम्स को रन करवा सकते हो। देखो, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसमें आपको अगर आपको प्रोग्राम को रन कराना है जो कि ऑनलाइन कंपाइलर या इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको इंटरनेट की ज़रूरत होती है जब भी आपको किसी प्रोग्राम को रन करवाना होता है या फिर कंपाइल करवाना होता है। लेकिन इसमें ये खास बात है कि इसमें आपको कोई भी नेट की ज़रूरत नहीं है। मैंने पर्सनली भी इसको यूज़ किया है काफ़ी दिनों तक, जब तक मेरे पास अच्छा PC नहीं था तब तक मैं इसको यूज़ करता था और काफ़ी अच्छी कोडिंग हो जाती थी। तो इसके बारे में और भी अगर डिटेल चाहिए इस ऐप के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक है, प्ले स्टोर पर जाके इस ऐप के डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें दी गई है, उन सभी को चेक कर सकते हो। सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऐप की तरफ। सो हमारी लिस्ट की जो नेक्स्ट ऐप है वो है JVDroid, जो कि स्पेशली जावा लैंग्वेज के लिए बनाई गई है। तो अगर आप जावा सीख रहे हो और आपको कोडिंग करनी है जावा में, इसको देखना है कैसे क्या है या फिर इसको ट्रायल भी करना चाहते हो और कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, कोई ऐप बनाना चाहते हो, तो इसमें जावा 11 जो कि सबसे लेटेस्ट जावा का है, SDK है, वो इसमें आप यूज़ कर सकते हो। ये ऐप बहुत ही ईजी टू यूज़ है। जैसा कि पहला वाला हमारा पाइड्रॉइड ऐप था तो उसी कंपनी ने इस ऐप को ही बनाया है, तो दोनों का इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा सिंपल और यूज़फुल रहता है। तो इसमें भी आपको ऑफलाइन जावा का कंपाइलर देखने को मिलता है, यानी कि आप फिर से बिना इंटरनेट के भी इसमें ऐप्स प्रोग्राम्स को रन करवा सकते हो। इसमें भी आप कोई भी लेटेस्ट जावा की जार लाइब्रेरीज़ को यूज़ कर सकते हो। एंड नाउ, अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना है अपने एंड्रॉयड फ़ोन में तो हमारी जो नेक्स्ट ऐप है वो इसीलिए AIDE फॉर एंड्रॉयड, जिसमें आप रियल एंड्रॉयड ऐप डायरेक्टली अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डेवलप कर सकते हो। इस ऐप में आपको रियल टाइम एरर चेकिंग मिलता है जो कि एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर है। जब आप कोडिंग करते हो तो इसकी आपको जो बेनिफिट है वो पता चलता है। और इसमें आपको कुछ फ्री सिंपल लेसन्स भी मिलते हैं जिसके हेल्प से आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें सीख सकते हो एंड्रॉयड डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो जो नेक्स्ट ऐप होने वाली है हमारी दोनों, वो दोनों वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड होने वाली हैं। तो अगर आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो अपने मोबाइल फ़ोन में तो वो दोनों ऐप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वैसे वेब डेवलपमेंट का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट ऐप के बारे में। तो पहली जो हमारी एक ऐप है वेब डेवलपमेंट के लिए, जो कि हमारी चौथी ऐप है ऐसे ओवरऑल, तो उसका नाम है ट्रेव एडिट। इसको मैंने पर्सनली यूज़ किया है, तो इसका इंटरफेस यार मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, बहुत पसंद आया है, काफ़ी ज़्यादा मस्त ऐप है। तो इस ऐप में आपको इन ऐप ब्राउज़र मिल जाता है जिसके हेल्प से आप इसमें अगर कोई भी वेब डेवलपमेंट की अगर कोई पेज बनाते हो, वेब पेज बनाते हो, तो आप इसी ऐप में डायरेक्टली उस
पेज को रन करके देख सकते हो। आपको डायरेक्ट आपको किसी दूसरे ब्राउज़र पर रिडायरेक्ट नहीं किया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा मस्त फीचर है। इस ऐप में आप HTML5, CSS3 एंड JavaScript यूज़ कर सकते हो काफ़ी आराम से। काफ़ी अच्छा जो है कलर को दिखाई जाती है। किसी सिंटेक्स के लिए अलग अलग कलर जो होते हैं, जैसे कि हम लोग किसी लैपटॉप के IDE में यूज़ करते हैं, बिल्कुल वैसे। इस ऐप की एक स्पेशल फीचर और है कि इस ऐप में आप किसी भी वेबसाइट का URL अगर डालते हो तो आपको जो है उस वेबसाइट का पूरा सोर्स कोड आप उसमें देख सकते हो, और तो और उसमें एडिट भी उस सोर्स कोड को कर सकते हो और अपनी कोडिंग प्रैक्टिस को और इन्हांस कर सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरी जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए ऐप है, जो कि हमारी पांचवी ऐप है ओवरऑल। सो वो है एनराइटर HTML एडिटर। ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऐप है, इसकी भी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, 4.6 के अबव भी है शायद। तो ये ऐप भी वेब डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। सो इसमें आपको HTML, CSS, JavaScript, JQuery, Bootstrap यूज़ कर सकते हो काफ़ी आराम से। ये ऐप HTML5, CSS3, JQuery, Bootstrap एंड Angular में ऑटो कॉम्पिलेशन सपोर्ट करता है। यानी कि अगर आप किसी सिंटेक्स को अगर आप लिख रहे हो तो अगर वो आपने आधा भी लिखा है तो वो सजेस्ट कर देता है कि पूरा कोड या पूरा सिंटेक्स क्या होने वाला है। सो इस ऐप में भी एक अपनी वेब पेज प्रीव्यू का फीचर है, जिसमें आपको इसी ऐप में इनबिल्ट जो है आप किसी भी पेज को व्यू कर सकते हो, किसी दूसरे ब्राउज़र पे आपको रिडायरेक्ट नहीं किया जाएगा। एक स्पेशल फीचर इस ऐप की है, जो कि है ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, यानी कि 2 या 3 MB के आसपास की ये ऐप है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हल्का है। तो अगर आपका फ़ोन 1 GB, 2 GB, 3 GB रैम का है, फिर भी ये आपके फ़ोन में ये ऐप काफ़ी मक्खन की तरह चलेगा, काफ़ी ज़्यादा आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। सो ये थे हमारी पाँचों ऐप, जो कि आप पाइथन, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, जावा और वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको C++, C# और बैकेंड के लिए, जो अगर आप डेवलपमेंट के लिए अगर आप ऐप देखना चाहते हो एंड्रॉयड फ़ोन में, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं जो है उस पर अच्छी सी एक वीडियो बना दूंगा। तो आई होप आज की वीडियो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो ऐसे ही यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप अभी जाके चैनल को चेकआउट करो। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो है, उन सभी को जाके देखो। और भी कोई सजेशन, फीडबैक हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपका कोई फ्रेंड है, ग्रुप है, तो उसके साथ भी ये वीडियो शेयर करो, काफ़ी ज़्यादा उनको भी हेल्प मिलेगी। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।